हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरे यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। आज फ्रेंड मैं ऐसे पौधे शेयर करूँगी जो पेप्सी की बोतल में लग जाते हैं और परमानेंट प्लांट हैं और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनके लिए कुछ ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन छोटी छोटी पेप्सियों की बोतल में आप इन पौधों को लगा सकते हैं। ये है स्नेक प्लांट, ये बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है। इसको 1-1.5 साल हो गई है और देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट भी आ गए हैं। तो आप इसको पेप्सी की बोतल में या तेल की जो बोतल आती है सरसों के तेल की, उसमें भी आप इन्हें लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं और आपको ये कुछ ज़्यादा खाद पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो कितना अच्छा चल रहा है ये, और देखो ये इस बोतल में लगा हुआ है। तो आप इन पौधों को ज़रूर लगाएं। और ये है, ये डेविल बैकबोन है और ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मैंने कटिंग से लगाया था 1-1.5 साल पहले, तो देखिए ये कितनी आसानी से चल जाता है इसमें, और इसके बहुत अच्छे अच्छे टहनियाँ इसमें से निकलने लगी हैं। और ये देखो पेप्सी की तेल की बोतल है, ये नहीं, ये माजा की बोतल है फ्रेंड, सॉरी। देखो प्लास्टिक की है और देखो बहुत लंबे टाइम तक ये चल जाती है इस तरह से। ये देखो पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट भी परमानेंट प्लांट है और ये मैंने इसमें लगा रखा है। ये प्लास्टिक की बोतलों में बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये छोटी जगह में हम ढेर सारे पौधे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपके ऐसे छोटे छोटे पॉटों में लगे हुए वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो देखो ये पर्पल हार्ट भी मैंने इस बोतल में ही लगाया हुआ है। और ये देखो स्वीट पोटैटो वाइन, इसको भी 5-6 महीने हो गए। मैंने छोटे छोटे और भी लगा लिए हैं 2-3 जगह पे। तो देखो ये भी कितने अच्छा चल रहा है ये इसमें। ये भी 2 लीटर की पेप्सी की बोतल है और ये यहाँ से मैंने कट कर लिया था। तो अभी देखो इसमें से आगे टहनी निकलने लगी हैं। ये वाला स्वीट पोटैटो वाइन मेरे पास नहीं था, मैंने फर्स्ट बारी अपने गार्डन में ऐड किया है। तो देखें इस तरह से ये परमानेंट प्लांट है। ये है स्पाइडर प्लांट और ये देखो पेप्सी की ही बोतल में कट करके लगाया हुआ है और देखो बहुत आसानी से इसमें लग जाता है और इसमें ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते ये पौधे और परमानेंट है। तो आप इस तरह से इन बोतलों में कम खर्च में अपने बहुत सारे पौधे लगा के अपने गार्डन को इतना हरा भरा बना सकते हैं, बालकनी को सजा सकते हैं, घर में कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, किचन की खिड़की पे, कमरे की खिड़की के पास, आप कहीं भी इनको उठा के इधर से उधर आसानी से ले जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा है ये प्लांट स्पाइडर। ये 15 से भी ज़्यादा पौधे हैं और ये है शुंगोनियम। शुंगोनियम बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी मैंने पेप्सी की बोतल में लगा रखा है। ये पहले टेरिस पे था तो इसको मैं नीचे लेके आ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप होती है तो मुझे बस ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे पौधे ख़राब ना हो जाए, तेज़ धूप में झुलस ना जाए, तो इसलिए मैं इसको नीचे लेके आ गई हूँ। और तो ये भी मैंने एक पेप्सी की बोतल में ही लगाया हुआ है। ये 1 लीटर की बोतल है जिसमें ये मैंने लगाया हुआ है। परमानेंट प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं प्लास्टिक की बोतलों में। तो आप इन्हें अपने पौधे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं इस तरह से लगा के। और ये है ड्रेसिना, ये ग्रीन वाले है, मेरे पास रेड कलर का भी है जिसके रेड कलर के पत्ते होते हैं वो है। फिर मुझे ये लग रहा था कि इसके ऊपर कोई कीड़ा है, कीड़ा नहीं था। ये ऐसे जैसे प्लास्टिक के बोतलों में हम कुछ लगा देते हैं तो उसके बाद वो काई सी जम जाती है ना, वो था। तो मैं इससे डर गई
इसलिए मैंने इसको तिल्ली से देखा, फिर ज़मीन पे गिर गया, तो मैं फिर मैंने इसको ठीक से देखा तो ये कीड़ा नहीं था। मेरे को वैसे ही इससे डर लग गया था कि कहीं कीड़ा है ये। तो देखो ये भी एक प्लास्टिक की बोतल में ही लगा हुआ है। ये भी एक ड्रेसिना है। ये इस तरह की वैरायटी है, मेरे पास चार तरह के ड्रेसिना है और इसको मैंने यहाँ से कट करके दूसरी कटिंग लगा दी थी। तो देखो ये इसमें से यहाँ से ग्रोथ हो गई है। तो आप इस तरह से इन पौधों को छोटी छोटी बोतलों में लगा के आप ढेर सारे पौधे और भी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में ही आसानी से चल जाते हैं तो हमें ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हमारे घर में सामान रहता ही है, पेप्सी की बोतल, टिफ़िन, डिस्पोजल ग्लास वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में हमेशा ही बनी रहती है, किचन से निकलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में पौधे लगा लें। तो ये देखें, ये ड्रेसिना भी मैंने बहुत टाइम से लगाया हुआ है और ये परमानेंट होते हैं। ऐसे पौधे नहीं हैं ये कि आज मैंने लगाए तो 6 महीने के बाद, ये 3 महीने के बाद ये ख़राब हो जाएंगे। और ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये बहुत हार्डी है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको जैसे चाहे लगा देते हैं तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप बोनसाई भी दे सकते हैं, मैं इसके बोनसाई ही बनाऊंगी। ये मैंने नीचे से कट कर दिए थे छोटे छोटे, नीचे से इसकी टहनियाँ निकल रही थी, अब ये ऊपर ऊपर ये बढ़ रहा है। तो ये भी देखो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल है जिसमें ये मैंने लगाए हुए हैं। तो और इसकी जो कटिंग बचे तो उसको भी आप छोटे से छोटी कटिंग भी होगी मिट्टी में दबा दें और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अभी मैंने टेरिस पे कुछ पौधों की कटिंग की थी जेट प्लांट की, वो मैंने ग्रो कर दी तो आपको मैंने दिखाया नहीं है, बहुत जल्दी से ग्रो हो गई है। तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों में लगा के अपनी गार्डनिंग कर सकते हो। गार्डनिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सस्ते में भी गार्डनिंग हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे महंगे महंगे हम पौधे लेके आए। पौधों को इस तरह से पिंच कर देते हैं, जैसे कि ये जेट प्लांट, तो इसके जो और भी टहनियाँ इसमें से निकलने लगते हैं, नए नए रूट बनने लग जाते हैं। और ये है क्लांचो। ये क्लांचो मेरा बहुत टाइम से इसमें लगा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल है। तो आप जैसे हमारी कम जगह होती है तो बालकनी में इस तरह कीले गाड़ के या हैंग करके कोई फट्टा उस पर भी आप इनको लगा सकते हैं। तो बहुत कम जगह में हम ढेर सारे पौधे इस तरह से एक छोटा सा गार्डन हम तैयार करें, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने हाथ से कोई पौधे तैयार करते हैं तो देखिए ये भी प्लास्टिक की बोतल में कितना अच्छा हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ का स्वरूप हो गया इसका। तो आप इन पौधों को ज़रूर गार्डन में ऐड करें, परमानेंट प्लांट हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं। बस इस टाइम की थोड़ा तेज़ धूप से इनको बचा के रखें, पेड़ की छाया में रख दें, जैसे हमारे बड़े गमले होते हैं पौधे उसके अंदर, तो ये हमारे पौधे बस सूखे नहीं तो हमेशा हमारे गार्डन में हरियाली बनाए रखते हैं। ये है डिफिनवेचिया का, ये भी मैंने एक बोतल में ही लगाया हुआ है और इसमें ये 2 सदाबहार के पौधे अपने आप ग्रो हो गए हैं। मेरे पे एक ही तरह 2 तरह के ही सदाबहार, एक वाइट और एक पर्पल देसी वाले। तो आप इन पौधों को भी अलग से लगा के और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये पेप्सी की बोतल में है, बहुत आसानी से चल जाता है और ये परमानेंट प्लांट है। 15+ पौधे हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्लास्टिक की बोतल में। ये देखें, इसका मैं बोनसाई बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको कट कर दिया था। इस पर बहुत प्यारा कलर का फूल आ रहा है, ये देसी वाला ही सदाबहार है। ये देखो मैंने ऊपर से कट कर दिया था तो इसकी 2 डंडियां निकलने लगी और पेप्सी की बोतल में बहुत आसानी से चल जाता है इस तरह से। और ये भी प्लास्टिक का ही एक डब्बा होता है ना, उसका चवनप्राश वगैरह का वो ही है। इसमें ये मैंने रियो की
का पौधा लगा रखा है, परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। बस थोड़ा पानी का ध्यान रखें। तो हम इस तरह से अपने गार्डन में इन पौधों को ऐड करें। ये है ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ये भी मैंने एक बोतल में ही लगाया हुआ है प्लास्टिक की। तो इस तरह से अपने गार्डन में छोटे छोटे पॉटों में लगा के अपने गार्डन छोटा सा एक कोना सजा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।